शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सब ठीक हो जाएगा, हम इस बार आ जाएंगे। रोक दीजिए ये सब, आप जो चाहती हैं वो पूरा करें। सब बाहर आ जाएं। क्या हो रहा है ये सब, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा, अम्मा कैसे रोके हम? कोई तो रास्ता होगा ना, आप तो हर मुश्किल हल कर देती है ना, कोई उपाय बताइए माता रानी, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए, बचा लीजिए हमारी अम्मा को। नहीं बेटा, तेरे हाथ पे कितने घाव हो गए। अब ठीक है माँ, कोनो बात नहीं। सरहद जी ने तो बहुत स्फूर्ति दिखाई, लेकिन पूरा तमाशा भी बाकी है। दुल्हन, ये तुमने बहुत गलत किया। समाधि में जाते हुए इंसान को रोकते नहीं है। अम्मा, हमने केवल आपकी जान बचाई, और अगर आपकी नजर में ये पाप है तो हम इसकी भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आप ठीक है ना? हमें और कुछ नहीं चाहिए, और हम पर भरोसा कीजिए, हम सच में आपकी बात मानेंगे। आपकी जो इच्छा है ना, वो हम पूरी करेंगे। अम्मा जी, हम अकेले तौलिया लेके आते हैं। दमाद जी, अम्मा जी को बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। दुल्हन, हम तुम्हारे कहने पे कुंड से बाहर आए हैं, वरना नहीं आते। चिब्बू कहाँ है? अब उसको मनाना तुम्हारा काम है। जी अम्मा, हम उन्हें मना लेंगे। अब तक जैसे मनाते हैं, हम उन्हें इस चीज के लिए भी मना लेंगे। बस हम पर भरोसा कीजिए। शिवांश, दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन उन्होंने तो गेट ही नहीं खोला। नहीं क्या हो गया उन्हें, दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। हाँ,
अब कहाँ तुमने जा रही है? ये कब बता? शिवनी, जा रही हो? हमने आपकी आज तक हर बात मानी है। उनको कॉलेज की नौकरी छुड़वाने के लिए भी हमने ही राजी करवाया था ना। अब इस बात के लिए भी हम ही मनाएंगे। भरोसा कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी किसी भी हाल में। बस हमको जाने दीजिए। दरवाजा तो अभी भी बंद है। शिवांश, तुम दरवाजा क्यों बंद करके? तुम जानते हो अम्मा, अम्मा की देखा, हमने कहा था ना, जड़ी बूटी का असर हुआ का नहीं। ऐसे थोड़ी ना कहे थे, एक ही फांक में पूरा बवाल काट देती है जड़ी बूटी। अगर प्रेम हो ना तो चार गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर गुस्सा हो ना तो गुस्सा भी चार गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब देख लो मजा। चलिए अम्मा जी, कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ नानी, नानी आप कमरे में जाइए, मालती आपके लिए गर्मा गर्म चाय ले आएगी। ठीक है, जाओ मालूम। शिवांश, क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम उनके दरवाजे ही नहीं खोल रहे थे? जानते हो अम्मा, अम्मा जल समाधि लेने जा रही थी, अगर वो ले लेती तो ले लेती। और क्या कह सकते हैं, अरे जिनको मरना होता है ना वो चुपचाप जाके डूब मरते हैं, इनकी तरह तमाशा नहीं करते। और अम्मा ये क्या बवाल काट रखा है? अरे आपको कुछ करना है ना तो करके टालिए, लेकिन हमारे खोपड़ी पे ना ये तांडव मत कीजिए। मरना है मरना है। शिवांश, वो क्या कहे आपको? बीवी जी, हम जो कह रहे हैं आप वो सुनिए, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं और हम आपको पढ़ाकर ही रहेंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।